उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस नौकरी संवाद अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके तहत युवाओं का विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या में ब्लॉक स्तर पर गांव-गांव जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता बेरोजगारों से नौकरी संवाद करेंगे। ये अभियान पूरे प्रदेश में 45 दिन तक चलाया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब प्रचार नहीं नौकरी चाहिए। पूरे प्रदेश में 45 दिन तक बेरोजगारों से नौकरी संवाद किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 10,000 बेरोजगार युवाओं से संवाद का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की प्रभारी परमादरणीय प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर जिस तरीके से नौकरी संवाद प्रचार का आह्वान किया गया है, ये 45 दिवसीय ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज से इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिसका गांव-गांव जाकर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जाकर के ब्लॉक स्तरीय लोगों से, युवाओं से, बेरोजगारों से संवाद किया जाएगा। और जिस तरीके से हर एक वर्ष में बेरोजगारों की दोगुना हुई है, एक साल में यूपी में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है और यूपी में प्रतिदिन 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। इसे लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आई थी, आज वो खोखला साबित हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए नौकरी संवाद अभियान की शुरुआत ब्लॉक स्तर से कर दी है। इस अभियान के तहत करोड़ों बेरोजगार युवाओं से मिलकर उनसे जुड़ने की कोशिश होगी। हर जिले के ब्लॉकों में जाकर बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी फॉर्म और मिस कॉल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।